क्वार्टर पीरियड को और इसके महत्व क्या है, इसकी क्या बनावट है नेमेटोड की, और ये पैथोलॉजी में नेमेटोड क्यों रखा गया, क्योंकि ये तो एनिमेलिया के निधन का है। नेमेटोड का निधन क्या है, एनिमेलिया है, फिर भी ये पौधों को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है, उससे न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है, इसलिए इसको प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। वैसे तो इसकी एक अलग ब्रांच बन गई है, इसको निमेटोलॉजी कहते हैं। निमेटोलॉजी कहते हैं, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा कई डिजीज की काज हो जाती है, जैसे ईयर पॉकेट है और कई डिजीजें हैं, येलो ईयर डिजीज है, उद्यान में हट कर सकते हैं, कई निमेटोड्स के द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनका अध्ययन हम प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत भी करते हैं, जबकि ये किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत आता है। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का निमेटोड, जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ द निमेटोड। पहले तो हम लोग निमेटोड की बनावट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। बनावट से पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करेंगे कि इसको किस प्रकार से विज्ञानियों के द्वारा परिभाषित किया जाए। जो परिभाषा में वो शब्द सम्मिलित किए जाते हैं जिससे कि उस पर्टिकुलर जंतु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में हम कहते हैं कि जनाग्री माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक, ये मतलब जो इसमें इन्होंने कहा है कि जनरली माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक, जनरली मीन सामान्यतः ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ये देखा जाता है, लेकिन ये नेकेड आई से भी दिख जाता है। वैसे सामान्य तौर पर इनका जो स्ट्रक्चर होता है 1000 व्यू तक होता है, कभी कभी 3 से 4 एमएम तक भी इसकी लंबाई हो जाती है। तो ये सामान्य रूप से तो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नंगी आंख से भी इनको सिस्टमेटोड इत्यादि को देखा जा सकता है। जनरली माइक्रोस्कोपिक वर्म लाइक मतलब वर्म मीन्स क्रमी, क्रमी या क्रमी सदृश कहते हैं, क्रमी सदृश। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय वाई मृत जीवी है, सेप्रोफिट मीन्स मृत जीवी,
में है पृथ्वी, इन वाटर पानी में और मृदा में, पानी में और मृदा में ये पृथ्वी रूप में रहते हैं। और पौधों एवं मनुष्यों पर, पौधों एवं पशुओं पर, पौधों एवं एनिमल्स भी पशु पशुओं पर परजीवी रूप में पाए जाते हैं। सो ये निम्न कोटि की कंडीशन हो गई, क्या हो गई, त्रिस्तरीय द्विपाद सम्मित, द्विपाद सम्मित बहुकोशिक खंड ही कूट हुआ युग अकशेरुकी धागा सदृश मृद्वी सामान्यता पानी एवं मृदा में रहते हैं, लेकिन इनकी कुछ जातियां पौधों पर एवं जानवरों पर, एनिमल की जानवरों पर परजीवी रूप में पाई जाती हैं और उन पर रोग उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से ये एक डेफिनेशन हो गई इसकी नेमेटोड की। नेमेटोड ग्रीक भाषा के नेमा, नेमा भी थ्रेड, थ्रेड क्या होता है, धागा, धागा सदृश, नेमा मीन्स थ्रेड लाइक और इडोस मीन्स फॉर्म या धागा जैसा इनका शरीर होता है, उनको हम निमेटोड कह देते हैं। तो ये ग्रीक भाषा में नेमा और आइडोस दो शब्दों से मिलकर के निमेटोड बना है। अब निमेटोड की मैंने सामान्य रूप से संरचना आपके सामने बोर्ड पर बनाई है, इसमें भी खास रूप से जैसा कि आप लोग डेफिनेशन में देख रहे थे, इसमें उसी प्रकार से ये स्टाइलेट बनी हुई है। स्टाइलेट जो पादप सूत्रकम होते हैं या प्लांट नेमेटोड होते हैं, वो सूखा या स्टाइलेट, स्टाइलेट और इसकी होता है स्पीयर और स्टाइलेट, स्पीयर या स्टाइलेट के माध्यम से पौधों के त्वचा में का भेदन करके उनसे खाद्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो इसको स्पीयर और स्टाइलेट कर दो, या तो इसको ये स्पीयर होगा या स्टाइलेट होगा, स्टाइलेट के माध्यम से उस पर चोट करते हैं एपिडर्मिस में और उसमें छेद करके उसे भोजन पदार्थों का अवशोषण करते हैं। फिर इसमें सेकेंड है मस्कुलस, उसके नीचे ये कोइसोफेगस बना, कोइसोफेगस पाया जाता है, इसमें सूत्रकृमि क्या पाया जाता है, कोइसोफेगस पाया जाता है। इसके कोइसोफेगस के जस्ट नीचे मीडियन स्पर्ग होता है, मीडियन मींस मध्य का, ये इन दोनों के मध्य में एक बल्ब होता है जिसे मीडियन बल्ब कह देते हैं। फिर मीडियन बल्ब के जस्ट नीचे ऊपर की तरफ तो मस्कुलस होते हैं और उसके जस्ट नीचे सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जिनसे कि स्राव करता है। निमेटोड जब किसी पौधे पर आक्रमण करता है तो स्राव अपने स्टाइलेट के माध्यम से प्रोड्यूस करता है ताकि वो मुलायम हो जाता है। तो इसको सिलेवरी ग्लैंड्स यहाँ पर पाई जाती है और सिलेवरी ग्लैंड्स के नीचे इंटेस्टाइन पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ये क्या है, ये इंटेस्टाइन, इसके जस्ट नीचे एक हरक सा भाग कटा रहता है जो कि ओवरी
इनकी देखभाल इनमें निमेटोड में निमेटोड या सूत्रक होते हैं। में सूत्र में सर्कुलेटरी एवं रेस्पिरेटरी एवं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का या अंगों का अभाव पाया जाता है। और नेक्स्ट है इसके संवेदियां सिरों पर आस्मिक एवं एंटेड के रूप में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? जो इसके संवेदी अंग होते हैं जिनसे कि इनको संवेदनाएं होती हैं, ये दोनों सिरों पर होती है, पीछे की तरफ प्रास्मिड होती है और अगली शर की तरफ एम्पिड होती है। इनका डाइजेस्ट या पाचन पाचन तंत्र एक सरल सीधी या निमेटोड
बात नहीं। अगर तो एक कोई जीव है और विष उसका काट दिया जाए तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा। इस प्रकार का जो फिनोमिनन होता है उसको हम बाइलेटरल सिमेट्रिकल कह देते हैं। नर एवं मादा नष्ट है, नर एवं मादा नेमेटोड को अलग होते हैं। अतः ये डाइजेस्ट अलग अलग होते हैं, अतः ये डाइजेस्ट। निषेचन आंतरिक होता है, होता है एवं अंड परिवर्तन क्या है। इसमें जो जीवन चक्र में चार डिंबक अवस्था पाई जाती है। जबकि प्राथमिक नेत्रोचन नेत्रोचन या इसको मोल्डिंग कह देते हैं, इसमें जो है प्राथमिक निर्मोचन अंडे के स्फुटन से पहले कुछ समय होता है, जबकि डिंबक अंडकवच के भीतर रहता है। अंडे के
तो इस प्रकार से हमने निमित्त रूप के कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी की। थैंक यू। अब निमित्त रूप से होने वाले रोग और उसके बारे में आगे की बात करेंगे।